Hello everyone, how are you all? Hope you all are good and healthy. तो आज हम start कर रहे हैं हमारे Maths Insight channel पे 9th class का syllabus. तो 9th class का syllabus हम start कर रहे हैं first chapter से, जिसका नाम है number systems. जिसका नाम है number systems. तो number systems पता होने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए number क्या होते हैं. क्या होते हैं number? नंबर क्या होते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी अपने चैनल पे कि व्हाट इज़ द नंबर. हम बोलते तो रहते हैं कि रियल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, लेकिन ये नंबर क्या है? ये नंबर तो पता होना चाहिए आपको क्या होते हैं नंबर. तो देखिए क्या होते हैं नंबर गाइस. नंबर अ मैथमेटिकल टर्म, अ मैथमेटिकल टर्म used to measure and to label and to count. अब ये to measure, to label and to count ये क्या लिख दिए मैम ने? नंबर की हेल्प से. नंबर एक ऐसे मैथमेटिकल टर्म है जिसकी हेल्प से हम कोई भी चीज़ काउंट कर सकते हैं. आप अपने घर में जितनी भी चीज़ें हैं अगर आप उसको काउंट करने लगेंगे तो नॉर्मली कैसे काउंट करते हैं आप? ऐसे अपनी फिंगर्स की हेल्प से काउंटिंग करते हैं और ऑटोमेटिकली चलती रहती है 1 2 3 ऐसे 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 ऑटोमेटिकली चलता रहता है. ओके गाइस, अब देखिए टू लेबल. टू लेबल्स मीन आप कोई भी, आप कहीं से भी, आप कुछ भी सामान लेके आते हैं मार्केट से, वो किसी पैकिंग के अंदर होता है तो उस पैकिंग के ऊपर लेबल लगा होता है. उस लेबल में क्या क्या लगे, उसका उसका रेट कितना है, उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, तो वो सब किस में होता है? सब कुछ नंबर में लिखा होता है. सब कुछ किस में लिखा होता है? नंबर में लिखा होता है. एंड थर्ड थिंग इज़ टू मेज़र. आपको किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ नंबर, विद द हेल्प ऑफ नंबर. तो नंबर अ मैथमेटिकल टर्म विच इज़ यूज टू काउंट, टू लेबल एंड टू मेजर. ओके गाइज, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नंबर लाइन क्या होती है. नंबर लाइन, ये हमारा कोई रियल लाइन है जिसमें हमारे नंबर जा रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. इसके ऊपर अगर हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये लाइन हमारी क्या बन जाती है? नंबर लाइन बन जाती है. क्या बन जाती है हमारी? नंबर लाइन. जैसे हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम, आगे आएगा आपके वैसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम. कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम, ओके. लेकिन अगर हम एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे और उसके ऊपर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा क्या होगा? नंबर लाइन. क्या होगा वो हमारी? नंबर लाइन. तो देखिए नंबर लाइन पे हम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पे आपके सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं. वहाँ यहाँ पे रैशनल भी आ सकते हैं, इरेशनल भी आ सकते हैं, और रैशनल इरेशनल को मिला के क्या बनते हैं आपके? रियल नंबर. सब चीज़ करवाऊंगी मैं, घबराने की जरूरत नहीं है. -1 -2 -3, तो ये क्या है हमारी? नंबर लाइन. जिस लाइन के ऊपर हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारी लाइन क्या होती है? नंबर लाइन होती है. तो सबसे पहले हमें पता होने चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं. व्हाट आर द नेचुरल नंबर? तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच इज़ यूज फॉर काउंटिंग, द नंबर विच इज़ यूज फॉर काउंटिंग, द नंबर विच इज़ यूज टू डू काउंटिंग या फिर यूज फॉर काउंटिंग. अब आप देखिए नेचुरल, नाम से ही क्लियर हो रहा है. नेचुरल का मतलब क्या? जो चीज़ नेचुरली होती है, अपने आप ही हो जाती है ना. अब आप वही सेम चीज़ अगर आपके रूम में या आपके क्लासरूम में कहीं भी स्विच बोर्ड लगा हुआ है, उसके बटन आपको काउंट करने हैं, कैसे काउंट करते हैं? अपने आप ही होते जाते हैं अपनी फिंगर्स पे. आपको बेंचेस काउंट करने हैं, आपको नंबर ऑफ़ गर्ल्स काउंट करनी है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन योर स्कूल, सब काउंट करना है. तो वो कैसे काउंट है? अपने आप ऑटोमेटिकली हमारी फिंगर ऐसे ऐसे नीचे नीचे ऐसे चलती जाएंगी तो अपने आप काउंट होते. तो ये किसकी हेल्प से होते हैं काउंट? नेचुरल नंबर किया. तो नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं हमारे? 1 से स्टार्ट होते हैं,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इनफाइनाइट तक. तो ये सारे नंबर हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर. ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेचुरल नंबर के बाद कौन सी डेफिनेशन आती है हमारी? होल नंबर. नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर. होल नंबर क्या होता है? होल नंबर. अब जैसे ही मैं डेफिनेशन करवाती जाऊंगी वैसे ही हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकलते जाएंगे. यहीं से देखना, यहीं से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते जाएंगे डेफिनेशन के साथ साथ. होल नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर के अंदर, नेचुरल नंबर की नोटेशन होती है गाइस एन, नेचुरल नंबर की नोटेशन होती है एन. अगर नेचुरल नंबर के अंदर एक जीरो और ऐड कर दें तो ये नंबर हमारे क्या बन जाएंगे? होल नंबर. मीन्स होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलते जाएंगे. ये नंबर हमारे क्या होंगे? होल नंबर. क्या नंबर होंगे? होल नंबर. फिर बात करते हैं इंटीजर की. तो इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास? अगर हम होल नंबर में, अगर हम होल नंबर में क्या और ऐड कर दें? नेगेटिव नेचुरल नंबर और ऐड कर दें, या फिर हम लिखें नेगेटिव नेचुरल नंबर और ज़ीरो और नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलते जाएंगे. और यहाँ पे आ गया ज़ीरो, हमने ऐड किया. और नेगेटिव नेचुरल नंबर मीन्स -1, -2, -3, -4 ऐसे. तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? इंटीजर. अब इंटरेस्टिंग चीज़ आती है इसके अंदर हमारी, कि नेचुरल, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं ना, क्योंकि हमने क्या बोला? देखो होल नंबर क्या होता है? नेचुरल प्लस ज़ीरो. तो सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या बन गए? होल नंबर, है ना. और सारे के सारे होल नंबर क्या बन गए? इंटीजर. और नेचुरल नंबर भी क्या बन गए? इंटीजर. लेकिन इंटीजर नेचुरल नंबर जरूरी नहीं है होगा. इंटीजर जरूरी नहीं है नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि इंटीजर तो -3 भी है, -2 भी है, लेकिन -3 और -2 तो नेचुरल नंबर नहीं है. अब इंटीजर जरूरी नहीं है होल नंबर होगा. होल नंबर तो क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 ऐसे जीरो से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक चलते हैं, जो काउंटिंग में यूज होते हैं. लेकिन इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर भी आते हैं ना. तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना गाइस, जो मैंने अभी बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन में यूज होगी आपके एक्सरसाइज में. चलिए, इंटीजर हो गया, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया. अब हम बात करते हैं हमारी रैशनल नंबर की. रैशनल नंबर वो नंबर जो पी बाय क्यू, या पी बाय क्यू को आप छोड़ो, पी बाय क्यू को भूल जाओ. हमें हमेशा से ही छोटी क्लासेस से ऐसे बोलते जाते पी, ये पी और क्यू क्या है? हम क्यों हम पी और क्यू को साइड में डिफाइन करें? हम सीधा ये ना लिख दें कि जो नंबर न्यूमिनेटर बाय डेनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और डेनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए. वो नंबर हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर. कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर के अंदर क्या आ जाएंगे? सारे के सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, है ना. सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, क्योंकि नेचुरल इंटीजर होगा तो नेचुरल नंबर होगा, ऑब्वियस ही बात है. सारे के सारे होल नंबर किसके अंदर आ जाएंगे? हमारे रैशनल नंबर के अंदर. इसके अलावा और कौन से आ जाएंगे जो न्यूमिनेटर बाय डेनोमिनेटर की फॉर्म में होंगे? जैसे 2 बाय 3, 5 बाय 4, 1 बाय 1 लिख सकते हैं ना, 2 बाय 1, 3 बाय 1. नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 1 तो हो सकता है ना. ये तो कोई कंडीशन नहीं दी हुई कि आपका डेनोमिनेटर 1 नहीं होना चाहिए. डेनोमिनेटर तो सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, 1 तो डेनोमिनेटर हो सकता है. ओके गाइस, तो नेगेटिव भी हो सकते हैं ये. नेगेटिव पे भी इसने कोई कंडीशन नहीं लगाई, -5 बाय 2, -3 बाय 2, -81 बाय 90, -72 बाय 31 कुछ भी हो सकता है ना गाइस. तो ये सारे के सारे आपके नंबर क्या हैं? रैशनल नंबर. कैसे नंबर हैं? रैशनल नंबर. अब बात करते हैं इरेशनल नंबर. अब बात करते हैं हम इरेशनल नंबर. इसी से बना देते हैं हम इरेशनल. देखिए इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर क्या होंगे? जो नंबर न्यूमिनेटर बाय डेनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे, जो नंबर न्यूमिनेटर बाय डेनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे, वो नंबर हमारे क्या होंगे? इरेशनल नंबर. या फिर दूसरी लैंग्वेज में, अगर मैं सिंपली लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते,
जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वो नंबर हमारे सारे के सारे नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर। जैसे देखिए स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 6, ये सारे के सारे नंबर जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल के आता है, वो सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ओके गाइस, चलिए अब अगर मैं रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर को कंबाइन कर दूं, अगर मैं रैशनल और इरेशनल दोनों को कंबाइन कर दूं, तो ये नंबर हमारे क्या बन जाएंगे, रियल नंबर। क्या बन जाएंगे हमारे, रियल नंबर। ओके गाइस, जो नंबर लाइन पे हमारे जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन में हमारे नंबर कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक, और नंबर लाइन के ऊपर सारे नंबर क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, इसमें कहीं ना कहीं रैशनल भी होंगे, है ना, ये रैशनल हो, ये इरेशनल हो गया, ये रैशनल हो गया, इंटीजर भी होगा कहीं ना कहीं, है ना, कुछ भी हो सकता है, होल नंबर भी होगा हमारा। ओके गाइस, ये रूट टू यहाँ पे आएगा लेफ्ट से, यहाँ पे मान लीजिए आपका इधर ज़ीरो है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कहाँ रिप्रेजेंट हो रहे हैं, हमारे नंबर लाइन के। रियल नंबर की नोटेशन क्या है, आर। ये रैशनल की नोटेशन है, इसको हम क्या उसे डिनोट करते हैं, और इरेशनल की क्या नोटेशन है, क्या ऊ के ऊपर हम सी लगा देते हैं, इसका मतलब होता है क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट मीन्स इरेशनल नंबर, ये रैशनल की नोटेशन है, ये इरेशनल, और रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाते हैं, हमारे रियल नंबर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, रियल नंबर। चलिए अब करते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके एक्सरसाइज का, इज जीरो अ रैशनल नंबर। आपको बताना है इज जीरो अ रैशनल नंबर। एक्सप्लेन व्हाई, ये भी बताना है। अब देखिए जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो कैन बी रिटन एंड जीरो बाय वन, जीरो बाय टू, जीरो बाय थ्री, जीरो बाय हंड्रेड, जीरो बाय 10,000, जीरो बाय 9,999, कुछ भी लिख सकते हैं आप। जीरो को तो किसी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। अब ये कौन सी फॉर्म है, न्यूमिनेटर बाय डेनोमिनेटर की फॉर्म, वेयर डेनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही क्या है, अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमिनेटर बाय डेनोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रैशनल नंबर। सो हेयर इज द जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमिनेटर बाय डेनोमिनेटर, दैट्स वाई जीरो इज अ रैशनल नंबर। हो गया क्लियर गाइज, तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, दिस इंप्लाइज जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, लिख दीजिए अगर आप पी बाय क्यू से ज़्यादा फेमिलियर हैं, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में लिखा गया है, तो ये क्या हो गया, दिस इंप्लाइज जीरो इज अ रैशनल नंबर। बिकॉज ये किसकी डेफिनेशन है, अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत इजी सा मेथड करवाने जा रही हूँ, आप वही फॉलो करना, बहुत ज़्यादा आपको झमेले में पड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप एक अच्छा सा मेथड कैप्चर कर लीजिए, वही अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए थ्री को हम क्या लिख सकते हैं और फोर को हम क्या लिख सकते हैं, बस ये चीज़ आप ध्यान से रख लेना। ठीक है गाइज, अब कितने नंबर हमें निकालने हैं, सिक्स रैशनल नंबर निकालने, जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई और एक ज़्यादा से डिवाइड कर दीजिए आप। अब सिक्स से ज़्यादा कौन होता है, सेवन, तो यहाँ पे सेवन से मल्टीप्लाई, थ्री को सेवन से मल्टीप्लाई, सेवन से डिवाइड कर दीजिए, फोर को सेवन से मल्टीप्लाई, सेवन से डिवाइड कर दीजिए। अब आपने डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा ना,
डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, 4 का 4 ही रहा, बिकॉज 7 से 7 कट हो जाएगा, 7 से 7 3 का 3 रहेगा। तो इसको मैं क्या राइट कर सकती हूँ, 21/7, और इसको मैं क्या राइट कर सकती हूँ, 28/7 राइट कर सकते हैं हम इसको। अब देखिए 3 और 4 के बीच के निकालने हैं ना, बट 3 तो किसके इक्वल आया, 3 इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज 3 इज इक्वल टू 21/7 एंड 4 इज इक्वल टू 28/7। तो हमें तो 3 और 4 के बीच के निकालने हैं, इट मीन्स 27/7 और 28/7 के बीच के निकालने हैं। तो 21/7 और 28/7 के बीच के नंबर कौन कौन से होते हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 28/7। काउंट किए, 1 2 3 4 5 6 आगे ना आपके पास, आगे ना आपके पास 6 रैशनल नंबर, ठीक है। तो द रैशनल नंबर यहाँ पे राइट कर दीजिए आप, द रैशनल नंबर, द रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर दिस, कि द रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर दिस, ये सारे के सारे रैशनल नंबर किसके बीच के हो जाएंगे, 3 एंड 4 के बीच के हो जाएंगे। बट फिर से ध्यान दीजिए गाइस, अगर आपको किसी भी दो नंबर के बीच के रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो सिंपली मेथड क्या है, जितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं उसे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ज़्यादा से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब 3 को हम किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, 21/7। 4 को हम किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, 28/7 की फॉर्म में। अब 21/7 और 28/7 के बीच में कौन कौन आ रहा है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ये सारे के सारे नंबर हमारे क्या हैं, रैशनल नंबर है। ओके गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, इंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर को, क्योंकि इतने इजी वे में जो हो रहा है। ओके, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, इंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको इस लेक्चर में, तो लेक्चर फिनिश होने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पोस्ट कर दीजिए कि मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ओके गाइज, तो जितना हो सके उतना लाइक कीजिए गाइज, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, किस किस के बीच के, 3/5 के और 4/5 के। अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया था, कि जितने भी रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक ज़्यादा से डिवाइड कर दीजिए। तो इट मीन्स आप 3/5 को क्या राइट कर सकते हैं, 3/5 मल्टीप्लाई 6/6, और 4/5 को क्या लिख सकते हैं, 4/5 मल्टीप्लाई 6/6। ये क्या हो जाएगा, 18/6, और ये क्या हो जाएगा, 24/6। मीन्स 3/5 को हमने क्या राइट, सॉरी 5/6 30। हम 3/5 को क्या राइट कर सकते हैं, 18/30, एंड 4/5 को क्या राइट कर सकते हैं, 24/30। तो अब रैशनल नंबर क्या आ जाएंगे दोनों के बीच के, तो रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, राइट कर दीजिए, 18 के बाद क्या आता है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। दीज आर द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम अपना। एक क्वेश्चन और ऐसा करवाती हूँ जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि क्या पता एग्जामिनर दे दे और आप उसको क्वेश्चन को देख के कहोगे कि ये तो मैम ने करवाया ही नहीं था। ठीक है, देखिए कुछ इस टाइप का क्वेश्चन लगा लीजिए आप। मान लीजिए मैंने यहाँ पे राइट किया 1/2 एंड यहाँ पे राइट किया 1/3। ठीक है गाइस, 1/2 एंड 1/3। ओके, अब आपको इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं।
ठीक है, इन दोनों नंबर के बीच के रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। चल कुछ और बड़ा ले लेते हैं, ये सोचोगे मैम ने तो छोटा सा ही ले लिया। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ ले लेती हूँ 3/7 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 3/7 एंड 2/3। ठीक है, 3/7 एंड 2/3 ये दो नंबर हैं हमारे पास। इन दो नंबर के बीच के हमें मान लीजिए 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने। कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 4 रैशनल। अभी तक तो हमारा क्या था, जो हमने दो नंबर डिस्कस किए थे अभी तक उनका दोनों का डिनोमिनेटर सेम था। फर्स्ट वाले का तो क्या था 3/1 एंड 4/1, और सेकंड वाले में क्या था 3/5 4/5। दूसरे वाले में डिनोमिनेटर 5 था और फर्स्ट वाले में 1 था, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 3 है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल बनाएंगे। 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे 7 है ना, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 7। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल बनाने की कोशिश कीजिएगा। इस कैसे करते थे, हम एलसीएम लेके करते थे ना। अब बिकॉज दोनों ही प्राइम नंबर हैं तो एलसीएम क्या आएगा, दोनों का, दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 14/21। ऐसे 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं 3। अब हमें तो नीचे 21 बनाना है ना, तो 21 कैसे बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से ऊपर कर दीजिए, 3 से नीचे, ऊपर क्या आ जाएगा 9/21। इट मीन्स 3/7 को आप क्या राइट कर सकते हैं 9/21, 2/3 को क्या राइट कर सकते हैं 14/21। तो इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर क्या आ जाएंगे 10/21, 11/21, 12/21 एंड 13/21। ये आपके 4 रैशनल नंबर आ जाएंगे हमारे किस किस के बीच के, 3/7 एंड 2/3 के बीच के। तो जिसका डेनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो पहले उसका गाइज आप डेनोमिनेटर इक्वल बनाइए, उसके बाद जितने भी रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, जितने भी रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं उसे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई, एक ज़्यादा से डिवाइड कर दीजिए। अगर उन दोनों के बीच में नहीं आ रहे, हमें तो इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी किसी और नंबर से। स्टार्टिंग में हमने डेनोमिनेटर ही इक्वल बनाया इनका, 3/7 एंड 7/3, डेनोमिनेटर इक्वल बनाने में ही काम चल गया। वहीं से हमारे दोनों के बीच के कितने नंबर निकल के आ गए, 4 रैशनल नंबर निकल के आ गए। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है इसके अंदर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। फर्स्ट है आपका एवरी नेचुरल नंबर is a whole number। क्या हर एक natural number whole number होता है? बिल्कुल होता है। हमने पहले ही discuss किया था, lecture start किया था, तभी मैंने बताया था कि ये definition ऐसी है जो आपके exercise में भी इनसे related question आएंगे। तो natural number क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to infinite। whole number क्या होते हैं, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर क्या होते हैं 0, 1, 2, 3, है ना। अब होल नंबर को क्या राइट कर सकते हैं हम, होल नंबर को क्या राइट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर प्लस 0, बताया था ना मैंने, नेचुरल नंबर प्लस 0। तो होल नंबर के अंदर तो पहले ही नेचुरल नंबर आ गया, तो इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर क्या होगा, आपका होल नंबर होगा। तो आप यहाँ पे क्या राइट कर दीजिएंगे, बिकॉज, ये नोटेशन बिकॉज की होती है गाइस, बिकॉज होल नंबर कंसिस्ट नेचुरल नंबर, बिकॉज होल नंबर के अंदर क्या आते हैं, ये होल नंबर के अंदर ही आ रहा है ना, होल नंबर के अंदर क्या आ रहे हैं हमारे, नेचुरल नंबर आ रहे। तो हर एक नेचुरल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाए, लेकिन होल नंबर जरूरी नहीं नेचुरल नंबर का, क्योंकि बिकॉज 0 तो होल नंबर है लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका नेगेटिव का भी एग्जांपल हम दे सकते हैं इसका, अगर कन्वर्स पूछे तो वो। चलिए नेक्स्ट देखिए गाइस, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सेकंड देखिए, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, बिल्कुल भी नहीं होता है, बिकॉज -1, -2, -3 आर ऐसे चलते जाएंगे, आर इंटीजर,
ये इंटीजर्स तो हैं बट नॉट द होल नंबर, बट नॉट द होल नंबर. इंटीजर तो हैं लेकिन होल नंबर तो नहीं है. तो इट मीन्स एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर. ओके गाइस, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है. एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होता है? जी नहीं. रैशनल नंबर में तो क्या आते हैं, न्यूमिनेटर बाय डेनोमिनेटर की फॉर्म के आते हैं. तो इसमें मैं क्या भी लिख सकती हूँ, 2/3 इज अ रैशनल नंबर. एग्जांपल देना चाहो तो 2/3 रैशनल नंबर है बट नॉट अ होल नंबर. 2/3 रैशनल, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स. क्या हो जाएगी, फॉल्स. तो इस तरह से गाइज हम नंबर्स के बारे में आज हमने डिस्कस किया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल. कल हम पूरा अच्छे से इरेशनल नंबर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हम आपको बना के दिखाएंगे. तो आज हमने हमारे चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 विद द बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट कर ली है गाइस. तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपका सिलेबस स्टार्ट हो गया है. अगर आप चाहते हैं कि आप नॉलेज ले पाएँ अच्छे से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी लेक्चर अपलोड होते ही आपके पास आ जाए. ओके गाइस, तो वंस अगेन आपने लेक्चर को इंजॉय किया होगा, है ना. तो पढ़ते रहिए अच्छे से. अब बिकॉज हमारे पास और तो कोई ऑप्शन नहीं है, स्कूल तो हम जा नहीं सकते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऐसे ऑनलाइन क्लासेस देते रहें, ताकि आप लोगों के पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना आए गाइस. ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट कर रहे हैं, तो आप भी अपनी तरफ से एफर्ट्स कीजिए. वो एफर्ट्स आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास लेक्चर आएंगे गाइस. ऐसे आपके पास लेक्चर नहीं आएंगे अपने आप चल के. ओके गाइस, सो बी सेफ एंड बी हेल्दी एंड स्टे एट योर होम बिकॉज देयर इज अ कोरोना. ओके गाइस, तो बाय बाय. Take care. Thanks for watching, guys. See you in the next video.